तो दोस्तों लगातार संधियों की सीरीज में हम लोग फिर से संधि के छूटे हुए नियमों को पूरा करने के लिए वापस आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रयास इस बार ये किया जाएगा कि जब हम इसकी डीप बोलेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग डीप बोलेंगे तो फिर उसमें संधि के बहुत सारे नियमों की चर्चा की जाएगी एक एक्सरसाइज में। अभी हम प्रयास ये करेंगे हर नियम को एक या दो उदाहरण से देख लें और उदाहरण को क्लियर करने का प्रयास करें। देखो पहला नियम दोस्तों क्या है कि यदि ता के बाद ला आए तो ता का ला बन जाता है। नियम क्या है कि ता के बाद ला आए तो ता का ला बन जाता है। कैसे बनेगा? उदाहरण लिखा तत् धन लीन। क्या लिखा है? तत् धन लीन। ये ता है, बाद में ला आ गया तो क्या बन जाएगा? बनेगा तल्लीन। क्या बन जाएगा? तल्लीन। तत् धन लीन बराबर तल्लीन बन गया। उत धन लास बराबर उत धन लास बराबर ये बन जाएगा उल्लास। ऐसे बहुत सारे नियम है, आप पढ़ोगे तो मिलेगा। उत धन लिखित बराबर उल्लिखित, उत धन लेख बराबर उल्लेख। तो दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों अगला, ये आप इसको छह डाल सकते हैं। सातवां नियम कह रहा ता के बाद यदि शा आए तालव्य का तो क्या होगा? तो लिखा है उत ता। नियम क्या कहता है? नियम कहता है ता के बाद यदि सा आए तो क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा ता का ता बराबर ता का चा में और सा का छा में। कैसे वो देखते हैं। लिखा उत प्लस शिष्ट तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा उच्छिष्ट। उच्छिष्ट बन गया। क्या बन गया? उच्छिष्ट। समझने का प्रयास करें, ता का चा और सा का छा। समझ नहीं आया तो फिर देखते हैं इसको दूसरे नियम में। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है उत धन श्वास तो ता का चा तो उच्च छा सा का छा और ये वास। सा भी आधा है तो हलंत लगा दो छा में। क्या बन गया? उच्छ्वास। अगर ये लिखा है तत् धन संकर तो क्या बनेगा? तत् छंकर। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए होगे। रूल नंबर 8 देखिए, स्वर के बाद यदि कोई छा है तो नियम कहता है कि यदि किसी स्वर के बाद छा आता है तो क्या होता है? छा से पहले चा लग जाता है। चा लग जाता है। कैसे लग जाता है? तो देखो लिखा है अनु प्लस छेद। क्या बनेगा बेटा? बन जाएगा अनुच्छेद। ये आ गया चा। यहां था कहीं ना, लेकिन अनु में क्या था? छोटा ऊ स्वर है, यही आ जाए। परिधन छेद। क्या बनेगा? परिच्छेद। ठीक है, और अगर यही आ जाए अनुच्छेद परिच्छेद स्वधन छंद स्वच्छंद बनता कि नहीं बनता? तो इसे नियम से कवर करने का प्रयास करिएगा। फिर नियम नंबर 9 देखते हैं। लिखा है ता के बाद यदि हा आए, ता के बाद यदि हा आए तो क्या होता है? ता का दा में तथा हा का धा में परिवर्तन। ठीक, हा का धा आवृत्त हो जाता है। कैसे? उत प्लस हार बराबर उद्धार। ये देखो बन गया ता का धा और हा का धा उद्धार। और अगर आ जाए उत धन हरण बराबर तो ये बनेगा उद्धरण। एक तरीका ये, आप लिखने के तरीके पे मत जाए, आप लिखने का उत धरण ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक बात। तो ये हो गया नियम नंबर 9। अब आते हैं, कह रहा कि माँ के बाद यदि कोई भी स्पर्श वर्ण आए। देखिए इधर नियम नंबर 10 में, 10 क्या कहता है? नियम नंबर 10, ये मैंने आपको एक रूल कोड लिखा है। रूल कोड को एक्सप्लेन करने की बात यहां की जा रही है। रूल नंबर 10 कहता है कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ अनुस्वार अथवा आगे वाले वर्ण का पांचवा अक्षर
पंचमाक्षर। कैसे? जब तक समझ में नहीं आएगा पंचमाक्षर की आखिर बात कैसे हो रही है। अगर लिखा है, एक उदाहरण लेते हैं, ठीक, जैसे ले लिया हम लोगों ने, लिखा हमने किम धन चित। तो देखो ये क्या आया, मां के बाद कह रहा कि कोई भी वर्ण आ सकता है, मतलब स्पर्श व्यंजन आए तो, चाहे स्पर्श व्यंजन है तो जो मां है ये दो भागों में बदल सकता है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो अनुस्वार में बदल दिया किंचित, और एक आप लिख सकते हो इस तरह से किंचित, पांचवा अक्षर यहां लिख दिया, क्योंकि ता का पांचवा अक्षर क्या हुआ, सुनो, चा का पांचवा अक्षर क्या है, यहां है, इसलिए क्या आ गया, यहां आ गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? उम्मीद करते हैं बात समझ पा रहे होगे। ठीक, अगर लिखा है सम धन पूर्ण, तो क्या बनेगा, मां आया, मां के बाद पा आया, तो बन जाएगा सम पूर्ण। एक तरीका ये है मां लगा के, और दूसरा तरीका ये है अनुस्वार लगा के। लिखा है चम धन चल, तो पहला तरीका है चंचल ऐसे लिखने का, और दूसरा तरीका है चंचल ऐसे लिखने का। क्लियर बात हो गई? तो आप इन माध्यमों से इस रूल को कवर कर सकते हैं। अगला देखते हैं नियम नंबर 11 में क्या आता है। ठीक, नियम नंबर 11 में क्या आता है बता, अगर जल्दी से थोड़ा सा इस वीडियो में शीघ्रता हम लोग ले रहे हैं। कह रहा मां के, नियम नंबर 11 है, मां के बाद, आप ऐसे लिख सकते हो मां के बाद यदि मां आए तो, क्योंकि व्यंजन संधि की बात हो रही तो यहां तो हलंत लगा होगा, और बाद वाले की कोई वो नहीं है कि हलंत लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ स्वर हो सकता है, तो कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। कैसे? सम धन मान बराबर सम्मान। ठीक, और लिखा है सम धन मति बराबर सम्मति। ठीक, तो ऐसे ही नियम समझने की बात है कि यदि मां के बाद मां आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेटा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये आधा मां है क्योंकि ये हलंत लगा था, और ये आधा मां के साथ मां मिल रहा है तो फिर ये आधा मां, मतलब नियम कह रहा है कि मां के बाद मां आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही बात हो गई है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल जोड़ दिया गया। इसी को किताबों में लिखा रहेगा कि यदि मां के बाद मां आए तो मां का द्वित्व हो जाएगा, अर्थात दोनों वर्ण एक में आ जाएंगे। फिर अगला नियम है, मां के बाद अंतस्थ या ऊष्म कोई भी वर्ण आता है, यदि मां ऐसे है के बाद अंतस्थ आ जाए या ऊष्म व्यंजन आए तो मां अनुस्वार बनेगा, तो मां का अनुस्वार बन जाता है। कैसे? सम प्लस सार बराबर संसार। सा ऊष्म का व्यंजन था इसलिए मां अनुस्वार में बदल गया। लिखा है स्वयं प्लस वर बराबर स्वयंवर बन गया। तो ऐसे ही अनुस्वार और ऊष्म, सॉरी अंतस्थ और ऊष्म आए यदि मां के बाद तो मां का परिवर्तन किसमें होगा, अनुस्वार में हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्पष्ट हो गया। चलिए, तो ये हो गया 12वां नियम। फिर 13वें नियम में आते हैं, यदि मां के, आपने देखा होगा ना का अणा में परिवर्तन, ना कर लिखा राम धन अयन बराबर रामायण बन गया। क्या लिखा? राम धन अयन बराबर रामायण बन गया, परिधन नाम बराबर परिणाम बन गया, हर धन ना बराबर हरण बन गया। तो सर जी कैसे बन गया, उस कैसे का जवाब मिलेगा हमारे इस नियम में। ठीक, नियम कहता है कि यदि री रा श के बाद ना आए तो ना का अणा बन जाता है, ना बराबर अणा, ये है नियम। और एक बात और कहते कहते बीच में चाहे कोई स्वर आ जाए, चाहे का वर्ग आ जाए, चाहे पा वर्ग आ जाए, ठीक, चाहे या आ जाए, चाहे वा आ जाए, चाहे हा आ जाए, ये बीच में भी आ सकते हैं,
तब भी ना का अड़ा ही बनेगा। कैसे बनेगा सर जी? जो मैंने बोला राम प्लस अयन, आप देखो बेटा री रासा कह रहा है तो रा आ गया, ये देखो रा, ना यहां है रा यहां है, तो बीच में क्या आया? माँ आया। अलाउ करोगे? पापा बाबा माँ, हो रहा गुरु जी, आ आया स्वर है, हो रहा है गुरु जी, या आया या गुरु जी लिखा है, तो ये वही आ गए जो हमारे अलाउंस में है, अलाउंस में है, तो हमने क्या कहा? रा मा यण बन गया, बन गया। यही चीज लिखी, हर धन ना, तो क्या होगा? रा के बाद ना, तो रा के बाद ना सीधे सीधे मिल रहा है, तो बन जाएगा हरण, बन जाएगा, यही बन जाए कृष प्लस ना, तो बन जाएगा कृष्ण, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं, तो मामला क्लियर हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, नियम है अंत का, नियम ये कहता है, इसको नोट करना हो तो बेटा आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिएगा। नियम नंबर संभवतः 14 है, तो हम 14वें नियम को देखते हैं। नियम ये कहता है कि यदि दंत सा के पहले आ या आ को छोड़कर कोई और स्वर हो, अर्थात ये ना हो कोई भी हो, तो ये दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। हो गई बात? दंत सा का मूर्धन्य सा में परिवर्तन हो जाता है। तो कैसे सर जी? हमको तो पता नहीं चल रहा। तो बेटा तुमको ऐसे पता चलेगा, लिखा है अभी धन सेक, तो देखो अभी में छोटी ई की मात्रा आ गई और सेक का सा, तो कह रहा आया आ को छोड़कर, तो भैया छोड़ दिया, छोटी ई है, तो क्या बनेगा? ये वाला सा बन जाएगा ये वाले सा में, तो हो जाएगा अभी सेक, बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगला नियम देखो, यही नियम क्या, उदाहरण देख लो, सुधन सुप्त, सु और सुप्त, तो सु में छोटा उ है, सुप्त में सा है। नियम कहता है कि आया को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो आ गया, और तो सा है तो परिवर्तन सा का मूर्धन्य सा में कर देना है, तो जोड़ दिया तो बन गया सु सुप्त, क्या बन गया? सु सुप्त, ये वाला सा मूर्धन्य सा में बदल गया। तो व्यंजन सा के लगभग नियम हो गए। एक आध चीजें हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कभी अगर मान लो पूम और सम के साथ, पूम और सम के साथ का वर्ण आ जाए, तो इसका परिवर्तन इस मा अनुस्वार में बदलता है और अतिरिक्त रूप से का लग जाता है, जैसे लिखा है सम धन करण, तो ये बनेगा संस्करण। तो नियम क्या हो गया? मा का अनुस्वार में परिवर्तन और का के पहले सा लग गया, तो ऐसे पुम धन कोकिल, पुंस कोकिल, ऐसे ही कुछ नियम इसमें भी आते हैं कि वी धन स्मरण बराबर विस्मरण, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। तो एक आध नियम ऐसे हैं। तो देखो बेटा ये हो गई व्यंजन संधि के लगभग मैंने नियम बता दिए। अब अगला जो रूल होगा, एक मात्र संधि बची है विसर्ग, तो अगली क्लास में एक छोटा रिव्यू वीडियो लेके आएंगे जो संधि का ये एक पार्ट होगा, जिसमें विसर्ग संधि की पूरी बातें, पूरे नियमों की दो दो उदाहरण के साथ बातें कर दी जाएंगी। इसके बाद हम आपको बृहद स्तर पर संधियों का ज्ञान कराएंगे, क्वेश्चन के साथ विशेष टॉपिक और एक बड़े वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।